ये पानी दुनिया भर का खड़ा मोड़ पे, यहाँ भीड़ रहे, बच्चे जाते हैं स्कूल में, कोई संभालने वाला नहीं, पानी में तो निकल गया, बच्चे जाते हैं, ताल उठा हाथ जोड़ लिया, ये करवा दो जी, हो जाएगा, सब कहते हैं हो जाएगा, होता कुछ नहीं। कि हम गंदगी तब उठाएंगे जब आप इसका ये समोसे खिलाओगे। लोगों को तैयार होगा लेने के लिए, आ जाएगा 20 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, ठीक है जी, उसके टाइम झाड़ू लग जाएगी, जहाँ कोई मंत्री आएगा उस टाइम झाड़ू लग जाएगी सब कुछ, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हमने सबको अवगत करवा रखा है, वीडियो को शॉर्ट दे देंगे आपको, सबको भेज रखे हमने, लेकिन किसी ने आज तक ये समस्या का हल देखे, रोज एक्सीडेंट होते हैं। पूरे मोहल्ले का, बिशन सिंह कॉलोनी का, संत रोड का, गीता मंदिर का, सारा सारा गंद यहीं इसी हब पे डलता है। विकास ही विकास हुआ है पानीपत शहर में, ऐसा दम भरते हैं पानीपत के सभी नेता, चाहे वो मेयर हो, पार्षद हो या फिर निगम कमिश्नर, हर कोई बस विकास की ही बातें करता है कि पानीपत को विकास वाला शहर बना दिया। लेकिन हालात तो आप कुछ दिनों से वॉइस ऑफ पानीपत पर देख ही रहे हैं कि कितना कहां पर विकास हुआ है। बात अगर कुछ दिन पहले की करें तो मुख्यमंत्री जी ने जब पानीपत में आना था तो टूटी सड़कों पर पैच वर्क किया गया था। अभी हाल ही में नायब सिंह सैनी जब पानीपत पहुंचे तो अधिकतर सभी नेता एक मंच पर बैठे नजर आए, न सिर्फ बैठे हुए बल्कि नाचते हुए भी दिखे, जैसे मानो शहर में कितना विकास करवा दिया हो, उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे कर दिए हो। खैर, ताजा हालात एक ऐसी जगह की दिखाते हैं जहां से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं। ये है असंध रोड फ्लाईओवर पर चढ़ने से पहले की तस्वीरें। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं जिसकी वजह से जब पानी भरता है तो किसी को गड्ढे नजर नहीं आते, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार ऑटो पलट जाते हैं, सवारी चोटिल हो जाती है। सीसीटीवी में एक ऐसी ही घटना रिकॉर्ड हुई है, देखिए कैसे एक ऑटो पलट जाता है जिसमें सवारी भी चोटिल हो जाती है और चालक भी। सुनिए यहाँ के लोगों की। ये असंध रोड है जी, असंध रोड पे फ्लाईओवर पे जो चढ़ते हैं ये देख लो जी, ये 1700 करोड़ रुपए का विकास हो रहा है, 7 मिनट ट्रांसफार्म भी, एक करंट का भी डर, और रिक्शा भी पलटती हैं यहाँ पे, स्कूल से भी बच्चे आते जाते हैं, इतना बुरा हाल है जी बीजेपी सरकार में। सुनौली रोड का भी यही हाल है, असंध रोड का रोड तो कोई भी ठीक नहीं है जी, इतना बुरा हाल है, देख लो जी आप ही देख लो, विकास की तो देख लो झड़िया लगी हुई है, देख लो ये कहाँ गया 1700 करोड़, इधर पीछे देख लो खड्डे हैं कितने, रिक्शा पलटे हैं जी बिल्कुल, स्कूल में बच्चा है जब जाओ चोट भी लग गए हैं, ये देख लो ट्रांसफार्म है, करंट भी आने का खतरा रहता है, पानी में देख लो यहाँ पानी भरा हुआ है, कोई कार्य काम नहीं जी सरकार में। नेताओं को यही कहना चाहेंगे जी, अब वही बात है कि नेताओं ने देखना चाहिए अपने शहर में भाई, ये 1700 करोड़ रुपए कहाँ लगे हैं, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, ये वादे तो फिर तो सारी चीज़ों के, सड़कों के भी, पानी के भी, गरीबों के भी, सब हर वादे करते हैं जी, लेकिन कुछ भी नहीं है, ना कोई किसान की हितमत सोचता है, ना कोई मजदूर की हितमत सोचता है, कोई वो नहीं है सुनवाई सरकार में। सुपड़ा साफ है जी बीजेपी का, आपकी बारे हरियाणा से जी, मेन चौक है जी बिल्कुल, फ्लाईओवर के नीचे उतरते ही साथ है जी असंध रोड पे, देख लो जी क्या हाल है, पीछे देखो जी आप कितने खड़े हैं, ये सारी समस्या है जी, ये पानी दुनिया भर का खड़ा मोड़ पे, यहाँ भीड़ रहे, बच्चे जाते हैं स्कूल में, कोई संभालने वाला नहीं, पानी में कोई निकल गया बच्चे जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं, यहाँ यहाँ इतने इतने खड्डों में लोग फंसे पड़े रहे। वादे तो भाई दुनिया भर के सारे वो नेता करे हैं, कौन सा नहीं करता, सारे ही करे हैं, हम सब कर देंगे, कोई करता नहीं। यहाँ से इधर शव यात्रा जब जाती है जब देखा करो कितना बुरा हाल होता है लोगों का, यहाँ इतने इतने खड्डों में खड़े रहे हैं, उनके कंधों के ऊपर होते हैं शव, और यहाँ नीचे खड्डे ही खड्डे होते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी है ये, देखो बच्चे छोटे स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल का ये गवर्नमेंट स्कूल का ऐसा हाल है जिसका कोई हिसाब ही नहीं, सड़क का तो बड़ा डैम हो गया भाई, ये तो जब से देखने लग रहे तब का है समस्या, ये खड्डे देखो समस्या और क्या, सारा दिन रोज यहाँ 2-3-4 तो रिक्शे पलटते हैं, कईयों को चोट भी लगी, बच्चों को लेडीज को यहाँ चोट लगी, कईयों को लगी चोट यहाँ, बच्चों की समस्या, सबको कह रही है निगम वालों को, सबको फोन कर लिए, मिल लिए जाके, कुछ सुनते ही नहीं, आते नहीं कुछ यहाँ, ये सीवरेज बंद पड़े हैं, पानी देखो साथ सरकार तो कह रही है इतने करोड़ रुपए लगा दिया हमने, लगा दिया भाई, यहाँ तो कुछ नहीं लगे, यहाँ तो 500-700-2000 रुपए लगने हैं, एरिया नहीं है क्या, शहर का एरिया है पता नहीं, नज़र पड़ी कि नहीं पड़ी मारे को तो पता नहीं, जिस हिसाब से लग रहा है लग पड़ी नहीं, ये समस्या हमने सबको भेज दी है, कमिश्नर को भेज रखी और 26 वार्ड के जो अपने पार्षद हैं विजय जैन को भेज रखी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर,
ये समस्या तो काफी दिनों से सबके पास वीडियो भेज रखी है, लेकिन आज तक इस समस्या का निवारण कोई देखने तक नहीं आया। अभी तक हमने सबको अवगत करवा रखा है, वीडियो के शॉट दे देंगे आपको, सबको भेज रखे हमने, लेकिन किसी ने आज तक ये समस्या का हल देखे नहीं। रोज एक्सीडेंट होते हैं, कभी ई रिक्शा पलट जाती है, कभी एक्टिवा पलट जाती है, लेडीज आती हैं, बच्चे आते हैं स्कूल के, देखो कितनी गंदगी, स्कूल बच्चे कैसे क्रॉस करेंगे स्कूल की लड़कियाँ, ये खड्डे देखो कितने खड्डे हैं। समस्या कब से बनी हुई है ये तो सर बहुत टाइम से समस्या है। तो वहीं अब दूसरी तस्वीर ये भी दिखाते हैं, ये तस्वीरें हैं असंध रोड फ्लाईओवर के नीचे की यानी जगदम्बा मार्केट की। यहाँ से रोजाना छात्र स्कूल की ओर जाते हैं, लोग रोजाना सैकड़ों यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सड़कों में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से हादसे होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब यहाँ की सड़कें सूखी हों। बूथ के साथ में गंदगी का पूरा अंबार है जी, और इसको कोई उठाने वाला नहीं है जी। कभी सप्ताह में एक आधी बार आता है, कभी जेसी भी आता है तो किसी का सामान भी साथ ले जाते हैं जी। हर आदमी को यहाँ से मेन रास्ता है, ये मेन चौराहा है जी। कोई डेड बॉडी आती है उसको भी वहाँ से गंदगी के ऊपर मुंह ढक के निकलना पड़ता है, साथ लेना बुरी हालत है जी। करोड़ों रुपये सफाई के नाम से बर्बाद हो रहे हैं जी। ये छोटी सी कॉलोनी है जी, पूरा मेन है, पूरी शमशान घाट है, पब्लिक डेड बॉडी भी आता है उसको भी, उसके साथ भी ये हालात है जी। पूरे मोहल्ले का, बिशन सिंह कॉलोनी का, असंध रोड का, गीता मंदिर का, सारा गंद यहीं इसी हब पे डलता है, और यहाँ हब पे कोई देखने वाला नहीं है इसको जी। शहर में विकास पैसा लगा है बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, हमारे कोई सुख नहीं उसका। पुल के नीचे यहाँ सारी गंदगी फैली रहती है, व्हीकल खड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। बीटा पुल के सामने बुरा हाल है, हर तरफ बुरा हाल है। कई जिंदा बरसातों का पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई नाले की सफाई नहीं होती, चारों तरफ बुरा हाल बचा पड़ा है। अब गवर्नमेंट ठीक है, अपने पैसा लगा रही है, पर सही जगह यूज़ नहीं कर रही अपनी सही जगह से। यूज़ सही करे तो इसका बेनिफिट होगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं हमारे को। वो बोलते हैं हफ्ते में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, 20 दिन में महीना भैया कोई सफाई करने नहीं आता है, कूड़ा करो फैला रहता है, बहुत बुरा हाल है। बोल के नीचे जहाँ वाइकल खंड जगह मिलती है। नगर निगम से देखो जी, मैं हर रोज फोन करता हूँ आपके सामने, फोटो दिखाता हूँ आपको नगर निगम की, तब जाकर सुनवाई होती है जी। ये देखो जी, आप फोटो डाल रहे हैं तो उठा के गंद, रोज कंप्लेंट होती है। नाम डॉक्टर अली लगते हैं जी, जो को चार होगा लेने के लिए आ जाएंगे, 20 रुपये दे दी, 50 रुपये दे दो, ठीक है जी। उसके तहत झाड़ू लग जाएगी, जहाँ कोई मंत्री आएगा उस तम झाड़ू लग जाएगी सब कुछ, क्योंकि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मतलब लवारिस है जी, लवारिस, इनको हर चीज़ टैक्स देते हैं दुकानों के, तभी कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। यहाँ पे MC आते ही नहीं जी, MC तो आए नहीं, आज तक नहीं आया। ये वो सड़क देखो जी, लोग मिट्टी डलवा लगा के रहते हैं, और वहाँ पे हर रोज एक्टिवा, कोई कभी कोई लड़की गिरती है, कभी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे MC को पाइप लीक होते हैं, MC को फोन करते, आज आ रहा है जी, कल आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। सीवर बंद है जी सारे, देखो कितने ब्लॉक की सीवर की, और देखो दूर तक चिक्कड़ है। यहाँ पे आप एक दिन यहाँ खड़े होकर देखो कितनी एक्टिवा गिरती है बच्चों की। इतना ही नहीं, यहाँ पर डंपिंग पॉइंट भी बना दिया है। सफाई करने वाले आते हैं तो वो सफाई के नाम पर पहले फ्री में समोसे खिलाने की बात भी कहते हैं। समस्या ये कि सीवरेज हमेशा ओवरफ्लो रहता है, कभी भी इसका पानी जितनी बार बोले तो टूटाज करके चले जाते हैं, पानी की निकासी नहीं है। सीवरेज का सारा पानी इधर संध मारे रोड पे आ जाता है, बैक मार देते हैं सीवरेज, वो बैक मार देता है, वो बैक मार देता है। यहाँ हर आने जाने में स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो पानी में से निकल के सुबह जाते हैं। कभी आप आके देखो 9 बजे के आसपास कम से कम भी मान लो, और कोई दो दो सारी सड़क पर पानी होता है, और इसकी कोई समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितनी बार बोले निरा जो गंदगी वहाँ की सीवरेज की गंदगी है, वो बैक मार के यहाँ निकलती है, सभी सीवरेज में निकलती है। आप वहाँ से टर्न करो जीटी रोड से जैसे ही आप पुल के पास पहुँचे, पुल के जहाँ पे सारा प्रशासन खड़ा है, पुलिस वाले खड़े हैं, वो भी गंदगी में खड़े हैं, बेचारे परेशान हैं, वो भी हमारे को बोलते हैं, हम कहते हैं हम कई बार कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब सरकार में खूब है क्या बात, काम क्यों नहीं हो रहा है? काम सरकार में तो नहीं करेंगे तो बोलेंगे क्या दिक्कत है, जो काम नहीं हो रहा। सीवरेज में बिल्कुल ब्लॉक पड़े हैं, सीवरेज की कोई पानी का एक मिनट का भी निकासी नहीं है, वो गंदगी पड़ी है वहाँ। देखो हाँ, आप वहाँ नीचे पुल के नीचे जाके एक बार नज़र मारो उन्हें गंदगी, वो गंदगी उठाने के लिए भी वो समोसे मांगते हैं, तब उठाएंगे ये गंदगी, तब उठाएंगे ट्रैक्टर ट्राली वाले, तब कहते हैं कि हम गंदगी तब उठाएंगे जब आप इसका ये समोसे खिलाओगे। पब्लिक कह रही है कि रोज हालातों की तस्वीरें निगम को भेजते हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं। लोगों ने तो ये भी कहा कि जब कोई मंत्री आने वाला होता है तो यहाँ पर तब सफाई होती है, तो ऐसे में भला वो क्या करे। तो आप ही बताएं कहाँ हुआ है विकास। सवाल जनता अपने नेताओं से पूछ रही है कि वादा किया था विकास का, तो वो वादा कहाँ गया।
तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।